महाराष्ट्र में सूखे से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नासिक में पवित्र रामकुंड भी सूख गया है, वहीं राज्य के सूखाग्रस्त इलाकों में लोग पानी को तरस रहे हैं। ये तस्वीरें हैं नासिक के पवित्र रामकुंड की, जहां सूखे की ऐसी मार पड़ी कि सभी रिकॉर्ड टूट गए। आज 139 साल बाद आस्था का कुंड पूरी तरह सूख चुका है। हर साल यहाँ कुंभ के दौरान आस्था का मेला लगता है, लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान के लिए आते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कोई बिना स्नान किए यहाँ से लौटा हो, लेकिन इस बार गुड़ी पाड़वा पर यहाँ आए लोगों को ऐसे ही लौटना पड़ा। राम कुंड पे अस्थि विसर्जन के लिए नासिक आ रहे थे, लेकिन इधर पानी का प्रॉब्लम से एक डबके में अस्थि एक कर दिया और यहाँ पानी भी नहीं मिलता। हम लोग वहाँ से कल्याण से पानी लेके आए। नासिक नगर निगम के मुताबिक पिछले साल कम बारिश होने के कारण गंगापुर बांध में जल स्तर गिर गया, जिसकी वजह से रामकुंड की ये स्थिति हो गई। वैसे रामकुंड की तरह महाराष्ट्र के दूसरे सूखाग्रस्त जिलों की स्थिति भी ऐसी ही है। गर्मी की तपिश से नल, कुएं, तालाब सब सूख चुके हैं। लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। लोगों की हालात देख अब केंद्र सरकार भी जागी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूखे से निपटने के लिए और मनरेगा की मजदूरी के भुगतान के लिए 12,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। महाराष्ट्र की तरह देश के 12 राज्य भी सूखे की चपेट में हैं, जिससे निपटना अब प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।